इस वीडियो के थर्ड पार्ट में मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग से तो मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है, अब मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। देखो, अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल ये कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग की सारी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट का पार्ट बनेगी, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो। अगर मैं इस अमाउंट को एनालाइज करता हूँ तो ये अमाउंट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसमें मुझे कुछ फिक्स पोर्शन शामिल करना होगा ताकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाए। और फिक्स पोर्शन को शामिल करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन रेट, और उससे इस अमाउंट में हम लोग एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से ओवरहेड्स या फिक्स ओवरहेड्स को इंक्लूड कर कर एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अपनी कॉस्ट को कंप्यूट कर लेता हूँ। अब फिक्स ओवरहेड्स का ओवर या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट किस तरह कैलकुलेट होगा उसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहले तो हम 2010 की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 2010 में जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे उसकी सिर्फ और सिर्फ 1.6 मिलियन की अमाउंट आ रही थी। इसके अलावा कोई भी अमाउंट नहीं थी जो कि फिक्स भी हो और प्रोडक्शन से भी पर्टेन करे। और इसने मुझे क्वेश्चन में एक चीज़ बताई भी है, और वो ये बताई है पॉइंट नंबर 6 में कि फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो मशीन आवर की बेसिस पर एलोकेट होते हैं। इसका ये मतलब है कि मेरा जो ओवर कैलकुलेट होगा वो होगा फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाई मशीन आवर्स। अब अगर मेरे पास बजटेड मशीन आवर्स नहीं दिए हुए तो मेरी अजम्पशन होती है कि जो मेरे एक्चुअल मशीन आवर्स होंगे वही मेरे बजटेड मशीन आवर्स होंगे, यानी कि ओएआर कैलकुलेट होगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से है 2010 की 6 मिलियन डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। मुझे मशीन आवर्स बजटेड नहीं दिए हुए, मैं एक्चुअल मशीन आवर्स देख सकता हूँ। मुझे ये पता है कि एक्चुअल मशीन आवर्स पर यूनिट है 3 आवर्स, और 2010 में मैंने जो एक्चुअल प्रोडक्शन की है वो 18,000 यूनिट्स की है, यानी कि जो मेरा ओवर कैलकुलेट होगा वो होगा 18,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 3 आवर्स पर यूनिट, ये बनेगा 111111। देखो, जो बेसिस क्वेश्चन में दिए वो बेसिस फॉलो ज़रूर करना, शॉर्टकट अप्लाई कर कर इसको यूनिट्स पर कैलकुलेट मत करना। आंसर ऑब्वियसली सेम आएगा, लेकिन अगर कभी तुम्हारी एक्चुअल और बजटेड कॉस्ट या एक्चुअल और बजटेड आवर्स चेंज होंगे तो तुम्हारा आंसर सेम नहीं आएगा। तो मो यार को हमेशा कैलकुलेट करते हो बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस। इस केस में बेसिस मुझे मशीन आवर्स दी हुई है, मैं मशीन आवर्स पर कैलकुलेशंस करूँगा। अब ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मैं यूनिट्स पे कैसे एब्जॉर्ब करूँगा? भाई, मुझे ये पता है कि 111.111 का ओएआर है पर मशीन आवर, और एक यूनिट में 3 मशीन आवर्स लगता है, यानी कि एक यूनिट में 333.33 के ओवरहेड्स इंक्लूड होने चाहिए, और इसलिए मुझे पर यूनिट जो प्रोडक्ट कॉस्ट मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 978.33। ये थी 2010 की कॉस्ट। अब मुझे कैलकुलेट करना है 2011 का ओएआर, और 2011 की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, 2011 की कॉस्ट कंप्यूट करनी है। 2011 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2011 में मेरी जो कॉस्ट हैं वो कुछ चेंज भी हुई हैं। कैसे चेंज हुई हैं? यहाँ पर मैं वर्किंग करता हूँ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर 2011। देखो, 2010 के जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे वो थे 6 मिलियन। पॉइंट नंबर 6 मुझे ये बोलता है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से मेरे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो हैं वो 8% इंक्रीज हुए हैं, यानी कि इस साल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 648,000 होंगे। पॉइंट नंबर 4 मुझे ये बोलता है ट्रेनिंग कंसल्टेंट विल बी हायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 300,000 पर एनम टू इम्प्रूव दी वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ दी वर्कर्स। ये भी एक फिक्स कॉस्ट है, ये भी एक ऐसी कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग से पर्टेन करती है, यानी कि ये भी एक ऐसी कॉस्ट है जो ओएआर की कैलकुलेशंस में आनी चाहिए। 2011 के ओएआर के लिए जो टोटल बजटेड या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स मैं लूँगा वो होंगे 678,000। आवर्स कितने होंगे? मुझे ये पता है कि 2011 में जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं
अगर मैं अपनी पिछली वर्किंग देखूं वो है 22150। अगेन मैं एक्चुअल और बजटेड को सेम कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बजटेड प्रोडक्शन नहीं है। अगर OR कैलकुलेट करना है तो मुझे बजटेड यूनिट्स लेने होते हैं। यहाँ पर एक्चुअल और बजटेड सेम है और वो है 22150 और मुझे जो OR कैलकुलेट करना है वो आवर्स की बेसिस पर करना है। मशीन आवर्स पर यूनिट के जो कंज्यूम होते हैं वो 3 कंज्यूम होता है, यानी कि सेकेंड ईयर का जो OR पर मशीन आ रहा है वो आएगा 102.036 पर मशीन आर। और यूनिट्स में इंक्लूड करने के लिए इसको जब मैं एब्जॉर्ब करूँगा तो मैं ये बोलूँगा कि यार OR का रेट है 102.03, एक यूनिट में 3 आवर्स लगते हैं और टोटल जो एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी वो आएगी 955.09। इस पूरी तीनों सीरीज़ की वीडियोस में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, जिसमें मैंने मजाई लिमिटेड की प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की है, उसमें मैंने ये एज्यूम किया है कि तुम लोगों के पास बेसिक मार्जिन एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज के बगैर शायद ये क्वेश्चन तुम लोगों को बिल्कुल ही अजीब लगे, ना सॉल्व हो सके। इसके बाद तुम लोगों ने PNL बनाना है। PNL वगैरह में इतनी कोई कंप्यूटेशंस में मसला नहीं है। इसकी मेन वर्किंग जो इस क्वेश्चन की थी वो ये थी कि मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लूँ, मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लूँ, और मैं ये सीख लूँ कि OAR में जो क्वेश्चन में बेसिस है वो बेसिस यूज़ करूँ, ना कि मैं उसको यूनिट्स पे अप्लाई कर शॉर्टकट अप्लाई करूँ। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में जब एक्चुअल और बजटेड इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी तो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड आ रहा होगा और चीज़ें कुछ चेंज हो जाएंगी। हमेशा याद रखना कि जो बेसिस क्वेश्चन में दी हुई हैं वो बेसिस यूज़ करना अपने क्वेश्चंस में। थैंक यू।